हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, अगर आपका डोसा खाने का मन कर रहा है और आपके पास समय नहीं है, कई बार होता है ना कि हमारे पास समय नहीं होता और डोसा खाने का मन कर जाता है, तब आप ये रेसिपी फॉलो कर सकते हैं। बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है, बहुत ही सरल है और घर में रखी हुई ऐसी चीज़ों के साथ बनती है जो हमारे घर में होती ही है। डोसा आप देख ही सकते हैं कि कितना क्रिस्पी बना है। तो इस डोसे के साथ हम ये बहुत अमेजिंग चटनी भी बनाने वाले हैं। चटनी का सारा सामान भी आपको घर में मिल जाएगा। अगर कुछ नहीं है तो उसके बदले आप क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, वह भी मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। तो चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस रेसिपी को बनाने के लिए मुरमुरे हर घर में होते हैं, तो 2 कप ले लेना आप। तो 2 कप मुरमुरे मैंने लिए हैं, हमारे घरों में होते हैं जिनसे हम भेल बनाते हैं या बहुत सारे स्मॉलिट्स बनाते हैं, तो वही मुरमुरे आप 2 कप लेना। उसके बाद आप इन्हें पानी में भिगोना। तो एकदम पहले छान लेना इन्हें छलनी से, क्योंकि इसमें छोटा छोटा बारीक बारीक पाउडर टाइप होता है, तो छान लेना। उसके बाद 2 कप मुरमुरों को 2 कप पानी में भिगो के 10 मिनट रख देना। तो अच्छे से डूबने चाहिए सारे मुरमुरे, तो यहाँ पर 10 मिनट्स के लिए इन्हें ढक के रखना। और 10 मिनट के बाद आप जब देखेंगे तो आपको ये थोड़े श्रिंक टाइप मिलेंगे, पानी भर चुका होगा इनके अंदर। तो आप इन्हें छान ले फिर। तो छान लिया मैंने, इन्हें छलनी में रख देना। अच्छे से छान लिया तो सारा जो एक्सेस वाटर है वो निकालना है। उसके बाद इन्हें मिक्सी के जार में डाल देना और आधा कप दही डालना और आधा कप पानी। तो 2 कप मुरमुरे में आधा कप फ्रेश दही, आधा कप पानी डालकर एकदम स्मूथ बैटर बना लेना। तो ये देखिए एकदम स्मूथ बैटर बन गया हमारा। अब इसमें हम डालेंगे यहाँ पर गेहूँ का आटा। तो आटा हर घर में होता है, तो 1 कप गेहूं का आटा डालेंगे और यहाँ पर डालेंगे पानी जरूरत के हिसाब से। वैसे 1 कप पानी इसमें जाएगा, तो थोड़ा थोड़ा पानी डालें क्योंकि आटे के लम्प्स इसमें बन सकते हैं। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालकर अच्छे से मिला लें। गुठली नहीं होनी चाहिए इसमें। और बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है। जैसे कि मैंने कहा, सारा सामान घर में आपको आसानी से मिलेगा और बहुत ही शानदार डोसा आप कुछ ही मिनटों में बनाकर खा सकते हैं। आपको लंबा चौड़ा कोई प्रोसेस फॉलो नहीं करना है इसके लिए कि रात भर दाल भिगोनी है, चावल भिगोने हैं, नहीं, कुछ नहीं। सिंपली आपको बस यही प्रोसेस फॉलो करना है, बहुत अमेजिंग आपका डोसा बनके तैयार होगा। तो 1 कप पानी डालने के बाद डोसा का जो बैटर है हमारा तैयार हो गया है। तो बिल्कुल ऐसा बैटर आपका होना चाहिए। फिर इसमें डालना नमक स्वाद के हिसाब से और 1/4 चम्मच डालना इसमें बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा डालना टोटली ऑप्शनल है, अगर आप अवॉइड करना चाहते हैं अवॉइड कर सकते हैं, इसके बिना भी ये बहुत अच्छा बनेगा। लेकिन सोडे से क्या होता है कि थोड़ी सी क्रिस्पीनेस इसमें आ जाती है। तो 1/4 चम्मच डाल देना और अच्छे से मिला देना। तो यहाँ पर देखिए अच्छे से मिला दिया मैंने इसको, और ये देखिए बैटर का जो कंसिस्टेंसी है वो ऐसा होना चाहिए, एकदम फ्लोई है। डोसे का जैसे बैटर होता है बिल्कुल ऐसा इसको बनाना है। उसके बाद इसी बैटर में 1 कप चावल का आटा डाल देना। चावल का आटा भी हर घर में होता है। अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो जो पोहा होता है ना, पोहे को मिक्सी में ग्राइंड करके फाइन पाउडर बनाना, एकदम फाइन पाउडर बनाना है और छलनी से छानकर तब आप इसमें मिला देना। पोहे के पाउडर से और चावल के आटे से क्रिस्पीनेस आएगा। उसके बाद 1/2 कप सूजी मिला देना। सूजी भी हर घर में होता है। सूजी बारीक वाली है तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। अगर आपके पास मोटी सूजी है तो उसे थोड़ा सा मिक्सी में पीस लेना और वो भी इसमें मिला देना। जो सूजी है और जो चावल का आटा है इसको क्रिस्पीनेस देगा, बहुत अमेजिंग इससे बनेगा। और मिलाने के बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका बैटर अच्छे से आपको बनाकर तैयार करना है। देखो बिल्कुल ऐसा बैटर होना चाहिए, एकदम स्मूथ बैटर है, कोई लंप इसमें नहीं है। ये देखिए कितना परफेक्ट ये बना है। अब आपको इसे रेस्ट कराना है 5 मिनट के लिए, क्योंकि सूजी है इसमें वो फूलेगी, तब तक इसे रेस्ट कराना। जब तक हमारा बैटर रेस्ट करता है तब तक हम इसकी चटनी बनाते हैं। चटनी बनाने के लिए गैस के ऊपर एक छोटी सी कढ़ाई रखना, उसमें डाल देना 2 से 3 चम्मच घी या तेल। तो मैंने तेल का इस्तेमाल किया है। 2 बड़े चम्मच मैंने इसमें डाला है चने का दाल। चने की दाल को अच्छे से भून लेना। चने की दाल को लो टू मीडियम फ्लेम पर भूनना है, हल्का सुनहरा होने तक। ये चटनी बहुत शानदार बनती है। उसके बाद एक प्याज है रफली चॉप किया हुआ, वह डाल देना। और इसमें गार्लिक डाल देना ढेर सारा। लहसुन का बड़ा अच्छा स्वाद इस चटनी में आता है। और हरी मिर्ची जितनी आप खाते हैं उस हिसाब से डालना। तो जब आपकी दाल थोड़ी गुलाबी आपको फील होने लगे तब ये प्याज और लहसुन गार्लिक इसमें डालना, जब हल्की सी गुलाबी हो, पहले मत डाल देना। और अब प्याज के साथ ही हमारी दाल भी भून जाएगी, इसका कलर भी अच्छा आ जाएगा और बड़ी अच्छी खुशबू यहाँ पर आएगी इसे भूनते हुए। तो यहाँ पर अब इसमें डाल देना सूखी लाल मिर्चें। तो मैंने 5 से 6 सूखी लाल मिर्चें डाली हैं, आप अपने स्वाद के हिसाब से डालें। मिर्चों से कलर बड़ा अच्छा आएगा, टेस्ट भी काफ़ी इनहेंस होगा। तो 2 टेबल स्पून मैंने इसमें डाला है यहाँ पर इमली। अगर इमली नहीं है तो आप इसमें अमचूर पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बाद में इसे पीसते हुए, या फिर लेमन जूस का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब चटनी बना रहे ना तब उसमें स्क्वीज कर देना। अगर इमली है तो यहाँ पर इमली को ऐसे डालें और इसे भी साथ में भून लें। तो सारी चीज़ें सॉफ्ट हो जाएंगी और हमारी जो दाल है वह भी अच्छे से पक गई है, कलर बड़ा अच्छा इसका आ गया है। तो अब यहाँ पर फ्लेम बंद कर देना और इसको ठंडा करेंगे। तो बिल्कुल ठंडा कर लेना इसे। ये जो चटनी है आप इसे एक बार बनाकर हफ्तों खा सकते हैं, बिल्कुल भी खराब नहीं होती। आप इसे मिक्सी के जार में डालना और इसमें डालना पानी। पहले डालेंगे इसमें नमक स्वाद के हिसाब से और इसमें डालेंगे पानी और इसको बिल्कुल ऐसे फाइन पीसना है।
अब हम इसका वापस से उसी कढ़ाई में थोड़ा सा तेल और डालेंगे। हमें इसका चोखा तैयार करना है जो कि बहुत ही बढ़िया लगता है। इसमें 1 टीस्पून के करीब इसमें डालेंगे यहाँ पर मस्टर्ड सीड्स यानी कि सरसों दाना और थोड़ी सी चने की दाल भी डालेंगे, इससे अच्छा टेस्ट आता है। चने की दाल को लो फ्लेम पर भुने गुलाबी होने तक, सुनहरा होने तक। फिर करी पत्ते डालें ढेर सारे इसमें। ये जो चटनी एक बार बनाएंगे आप तो इसे खा सकते हैं, बहुत शानदार लगती है ये। किसी भी चीज़ के साथ आप खाइएगा, बढ़िया लगती है। अब जो चटनी हमने बना के रखी है वो इसमें डालेंगे और कम से कम 3 मिनट के लिए लो फ्लेम पर इसे पकाएंगे। लो फ्लेम पर ये पकेगी तो इसकी सेल्फ लाइफ भी बढ़ेगी। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसमें पानी डालें, कैसा आपको चाहिए, थिक चाहिए चटनी, रनी चाहिए, जैसा आपको बनाना है उस हिसाब से पानी डालें। और चटनी यहाँ पर हो गई है तैयार। तो बहुत ही शानदार ये चटनी भी बन गई है हमारे इंस्टेंट डोसे के लिए। तो ये देखिए यहाँ पर इस चटनी को बनाने के बाद आप इसे बाहर निकाल लेना किसी बर्तन में। ये देखिए यहाँ पर ये चटनी बन गई है, मैंने बाहर निकाला। अब आप इसे स्टोर कर सकते हैं किसी कांच की बर्नी में भर के फ्रिज में रखें, स्टोर करें और जब भी मन करे इडली डोसा या फिर किसी भी तरह के पूरी पराठा के साथ भी आप इसे खा सकते हैं। तो ये चटनी हमारी बनकर तैयार है जो कि बहुत अमेजिंग बनी है। आप इसे ट्राई करिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। अब बारी आती है हमारे नाश्ते की। तो जो हमारा डोसा है उसे बनाने के लिए एज यूजुअल जैसे हम डोसा बनाते हैं गैस के ऊपर तवा रखते हैं और हाई फ्लेम पर इसे गर्म करेंगे। हाई फ्लेम पर गर्म करने के बाद इस पर पानी का छींटा डालेंगे ताकि इसका जो टेम्परेचर है वह मेंटेन हो। उसके बाद ये जो बैटर है ना बिल्कुल ऐसे पोर करेंगे जैसे डोसे का बैटर पोर करते ना, बिल्कुल ऐसे इसको पोर करेंगे और इवनली स्प्रेड कर लेंगे तवे के ऊपर। इनिशियली जो फ्लेम है वो हाई रहेगी लेकिन जब आप इसे पोर कर रहे हैं तब फ्लेम लो टू मीडियम रहेगी। इंस्टेंट डोसे की रेसिपी मैं आपको दे रही हूँ, फटाफट डोसा आपका बनेगा और वो भी बहुत शानदार। तो लो फ्लेम पर इसे सेकना है, क्रिस्पी तभी बनेगा। अगर आप हाई फ्लेम पर सेकेंगे ना तो क्रिस्पी नहीं होगा, विद इन फ्यू मिनट्स ये आपको ब्राउन दिखने लगेगा और आपको लगेगा कि तो बन गया, आप इसे बाहर निकाल लेंगे लेकिन ये फिर क्रिस्पी नहीं होगा, सोगी बनकर तैयार होगा। तो बस बैटर को ऐसे पोर कर लीजिए और फ्लेम लो टू मीडियम रखे से बनाते हुए ऊपर में घी बटर जो भी लगाना है लगा लें, बस टेम्परेचर का खास ध्यान रखें और बस जैसे डोसे बनाते हैं बिल्कुल ऐसे बना लें। ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। तो अभी ऊपर से जब ऐसा हो जाए तब इसे फ्लिप कर लेना, आप चाहे तो दोनों तरफ से इसे पका सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे इंस्टेंट डोसे वो भी बहुत शानदार चटनी के साथ बनकर तैयार हैं। बिल्कुल ऐसे आप ये रेसिपी फॉलो करना, आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को।